बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे इन दिस वीडियो वी विल कवर सेक्शन 424 टू सेक्शन 431 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 424, जजमेंट्स ऑफ सबऑर्डिनेट अपीलेट कोर्ट्स। द रूल कंटेंट इन चैप्टर 26 एज टू द जजमेंट ऑफ अ क्रिमिनल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन शैल अप्लाई सो फार एज मे बी प्रैक्टिसेबल टू द जजमेंट ऑफ एन अपीलेट कोर्ट अदर देन अ हाई कोर्ट। इस सेक्शन के मुताबिक अपीलेट कोर्ट जो है, चाहे वो कोई भी हो, सेशन जज हो या फिर हाई कोर्ट कह लें, ठीक है, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट कह लें, दोनों के पास जो है अपेलेट पावर्स, किसकी बात हो रही, अपेलेट पावर एक जैसी होंगी। चाहे वो जो है फर्स्ट अपेलेट कोर्ट हो, इससे मुराद ये कि जिस तरह मैजिस्ट्रेट ने कोई फैसला दिया हो, अब उसके खिलाफ अपील जो है वो सेशन कोर्ट में आई, तो ये होगी फर्स्ट अपेलेट कोर्ट। अब क्या होता है कि उस फैसले के खिलाफ अपील जो है वो सेशन कोर्ट में चली जाती है, फिर वो सेशन कोर्ट जो है उसके खिलाफ फैसला देती है, फिर दोनों जो हैं, फिर अपील कहाँ चली जाएगी, फिर ऑब्वियसली हाई कोर्ट में फाइल की जाती है। अब दोनों कोर्टें जो है अपील को निपट सकती हैं, तो दोनों के पास एक जैसा इख्तियार है, हाई कोर्ट के पास भी और सेशन कोर्ट के पास भी, अपील को सुनने का। ओरिजिनल में जैसे जजमेंट जिस तरह लिखी जाएगी ना, अपेलेट में भी इसी तरह जो है अनाउंस की जाती है जजमेंट। अब इसका प्रोविज़ो देख लेते हैं इसी सेक्शन का, इसकी एक्सेप्शन है समझे। प्रोवाइडेड डेट अनलेस द अपेलेट कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट द एक्यूज्ड शैल नॉट बी ब्रॉट अप और रिक्वायर्ड टू अटेंड टू हियर जजमेंट डिलीवर्ड। अब इसमें यह बताया गया है कि जिस तरह जो है ओरिजिनल जजमेंट थी, तो अदालत एक्यूज्ड पर्सन को बुलाती है, अगर वो जेल में है तब भी उसे कहती है कि आकर जो है वो फैसला सुने, मगर बट अपेलेट केस में जो है ऐसा नहीं होता, अदालत उसे बुलाना चाहे तो बुलाए, डिस्क्रिशन है, वरना ना मुनासिब समझे तो जजमेंट जो है वो ऐसे भी सुना सकती है। नाउ सेक्शन 425, यस एक सेकंड, यस सेक्शन 425, ऑर्डर बाय हाई कोर्ट ऑन अपील टू बी सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट। Subsection 1, whenever a case is decided on appeal by the High Court under this chapter, it shall certify its judgment or order to the court by which the finding, sentence or order appealed against was recorded or passed. If the finding, sentence or order was recorded or passed by a magistrate other than the district magistrate, the certificate shall be sent through the district magistrate. Subordinate court ne apna koi faisla sunaya, उस फैसले के खिलाफ अपील फाइल कर दी गई हो, फिर क्या हुआ कि अपेलेट कोर्ट ने उस अपील को डिसाइड किया कोर्ट ने, ठीक है, तो डिसाइड करने के बाद कोर्ट उसे वापस कहाँ भेजेगी, उसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास भेज देगी जजमेंट को सर्टिफाई करने के लिए, उस कोर्ट ने किसके पास, जिसने उसको ओरिजिनली जो है उसको ट्रायल किया होगा और उसके खिलाफ जो है फैसला दिया होगा। अगर मैजिस्ट्रेट ने कोई फैसला दिया है, तो हाई कोर्ट की तरफ से वो फैसला जो है डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट को आने के बजाय कहाँ जाएगा, सेशन कोर्ट के पास आएगा, सेशन कोर्ट के थ्रू जो है उसके पास जाएगा। नाउ सब सेक्शन 2, द कोर्ट टू विच द हाई कोर्ट सर्टिफाइज इट्स जजमेंट और ऑर्डर शैल देयर अपॉन मेक सच ऑर्डर एज टू कंफर्मेबल टू द जजमेंट और ऑर्डर टू द हाई कोर्ट एंड इफ नेसेसरी द रिकॉर्ड शैल बी अमेंडेड इन अकॉर्डेंस देयर विद। सब सेक्शन 2, जितने भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट के जो हैं ऑर्डर होंगे ना, ऑर्डर करने होंगे, उसने वही करने हैं जो अपील के फैसले में जजमेंट के साथ जो है कन्फाइन होंगे, यानी सब ऑर्डिनेट कोर्ट उस जजमेंट के जो है अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास नहीं करेगी। सब सेक्शन 2 में सिर्फ समझें ये बात बताई गई है कि सिंपली कि अपेलेट कोर्ट ने जो जजमेंट पास की है उस पर अमल दरामद सब ऑर्डिनेट उसी जजमेंट के मुताबिक ही करवाएगी, ना कि ये कि अपनी मर्जी के मुताबिक जो है ऑर्डर देती फिरेगी, एग्जीक्यूशन करवाएगी उसी ऑर्डर के खिलाफ जजमेंट की जो अपेलेट कोर्ट ने दिया होगा, उसी पे उस पर जो है अमल कराएगी। सेक्शन 4, नाउ सेक्शन 426, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग अपील्स रिलीज ऑफ अपेलेंट ऑन बेल। सब सेक्शन 1, पेंडिंग एनी अपील बाय अ कन्विक्टेड पर्सन द अपेलेट कोर्ट में for reason to be recorded by it in writing order that the execution of the sentence or order appealed against be suspended and also if he is confinement that he be released on bail or on his own bond। अच्छा इसमें यह बताया गया है कि एक सेकेंड,
जैसे कि एक्यूज पर्सन जो है वो जेल से अपील एक्यूज पर्सन जो है जेल से जो है अपील फाइल करता है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जेल से अपील कैसे की जाएगी, इस सेक्शन में ये चीज़ डिक्लेयर की गई है, ये प्रोसीजर बताता है। ये सेक्शन जो है ना 426, ये जो है ये सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को बाख्तियार करता है कि कन्विक्टेड पर्सन ने अगर 420 के तहत अपील की है, उस अपील को अपेलेंट कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, अभी डिसाइड नहीं किया, फैसला नहीं आया, फैसला अभी क्या है, पेंडिंग है। अपेलेंट कोर्ट अपील को पेंडिंग में रखते हुए ना रीज़न रिकॉर्ड करेगी कि जो कन्विक्शन सज़ा इस अक्यूज पर्सन को सुनाई गई है ना, फिलहाल के लिए उसको सस्पेंड कर दिया जाए, रोक दिया जाए, जब तक कि जो अपील जो उस उधर पेंडिंग में अपेलेंट कोर्ट में उसका फैसला ना आ जाए, उस सज़ा पर जो उसको पहले सबॉर्डिनेट कोर्ट ने दी है उस पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। ये सेक्शन जो है बख्तियार करता है अपेलेट कोर्ट को, ठीक है। अगर वो एक्यूज पर्सन जेल में तो उसे रिलीज़ किया जाएगा, बेल पर पर्सनल बॉन्ड दे तो उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। जब तक कि अपील का फैसला ना हो जाए तब तक उसकी सज़ा पर अमल दरामद रोक दिया जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात की गई है कि जो सज़ा उसको सबॉर्डिनेट कोर्ट ने जो भी उसको सज़ा दिया था, कन्विक्ट किया था, उसको जो है अपेलेट कोर्ट जो है उसको रोक सकती है फॉर द टाइम बिंग, जब तक कि जजमेंट जो है अपील को जो है वो डिसाइड नहीं कर लेती, तब तक के लिए उसको रोक देगी, सस्पेंड कर देगी, चाहे वो जो है उसको पर्सनल बॉन्ड दे दे, वो तब उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा कन्विक्टेड पर्सन को। नाउ सबसेक्शन 1A, यहाँ पे तो ओमिटेड है लेकिन नहीं, ओमिटेड नहीं है यहाँ पे। एन अपेलेट कोर्ट शैल एक्सेप्ट वेयर इट इज़ ऑफ द ओपिनियन डेट द डिले इन द डिसीजन ऑफ अपील हैज़ बीन ओकेजन्ड बाय एन एक्ट और ओमिशन ऑफ द अपेलेंट or any other person acting on his behalf, order a convicted person to be released on bail who has been sentenced. इसमें यह बताया गया है, अच्छा इसमें यह बताया गया कि अगर कोर्ट देखती है कि एक्यूज पर्सन जो है या कन्विक्टेड पर्सन कह लें काफ़ी टाइम से जेल में भी है और अपील का फैसला जो है डिले पर डिले हो रहा है और उस डिले में जो है एक्यूज पर्सन का एक रत्ती बराबर भी जो थोड़ा सा भी जो है वो कसूर नहीं है, ठीक है, तो फिर उसको क्या कर सकती है, उसको रिलीज़ का ऑर्डर दे सकती है, जैसे कि हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ा। अब इसमें 3 स्टेचुटरी ग्राउंड बताए गए हैं, हमें देखते हैं। क्लॉज ए, टू इम्प्रिजमेंट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स एंड हुज अपील हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ ऑफ हिज कन्विक्शन। जैसे कि जो सज़ा उसको दी है सबॉर्डिनेट कोर्ट ने, जो भी उसको पनिश किया है, जो भी कन्विक्शन दी है वो 3 साल है, ठीक है, 3 साल तक की सज़ा दी है और उसको जेल में कितना टाइम हो गया, 6 महीने उसने गुजार लिए वहाँ पर और उसकी अपील का कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ, नॉट डिसाइडेड येट, ठीक है। तब दूसरा है बी, टू इम्प्रिजमेंट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 ईयर्स बट नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर्स एंड हुज अपील हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर ऑफ हिज कन्विक्शन। बी में ये बताया गया दूसरे ग्राउंड में कि 3 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा है और कन्विक्ट होने के बाद उसने अपील की थी, उसने 1 साल हो गया उसको डिसाइड नहीं हुई तब, ठीक है। पहले में क्या था कि 3 साल की सज़ा थी और 6 महीने उसको हो गए लेकिन अपील डिसाइड नहीं हुई। दूसरे में ये है कि 3 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा है, ठीक है, मोर देन 3 ईयर्स है, 7 ईयर तक है, ठीक है, और वो जो है उसको 1 साल हो गया लेकिन तब भी जो है अपील डिसाइड नहीं हुई। नाउ ग्राउंड 3 क्या कहता है, सी, टू इम्प्रिजमेंट फॉर अ लाइफ और इम्प्रिजमेंट एक्सीडिंग 7 ईयर्स एंड हुज अपील हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स ऑफ हिज कन्विक्शन। अब क्या हो गया, इसमें ये बताया गया है वो जो है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, इस ग्राउंड के मुताबिक उसको इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ हुई है या 7 साल से ज़्यादा है और 2 साल से जो है अपील का फैसला नहीं हुआ। इन तीनों ग्राउंड्स को देखते हुए अपीलेट कोर्ट जो है कन्विक्टेड पर्सन को रिलीज़ कर देती है जब तक उसकी अपील का फैसला ना हो जाए, उसकी सज़ा को रोक दिया जाता है। अगर जितनी जितनी उन्होंने नौयत बताई है कि इतनी इतनी सज़ा उसने काट ली है, ठीक है, उस सूरत में। अब इसमें एक प्रोविज़ो भी दिया गया है वो देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ द फॉरन गोइंग पैराग्राफ शैल नॉट अप्लाई टू द प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और टू अ पर्सन हु इन द ओपिनियन ऑफ अपीलेट कोर्ट इज हार्डेंड डिस्पिरेटेड और डेंजरस क्रिमिनल और इज एक्यूज ऑफ एन एक्ट ऑफ टेररिज्म पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। अच्छा, अब इसमें एक क्या दे दी गई है, हमें एक्सेप्शन दे दी गई है।
एक जो है वो रिस्ट्रिक्शन कह लें इम्पोज कर दी गई है। ये ग्राउंड जो है ना लेकर हम किसी भी अदालत जो है ना, ये ग्राउंड अपेलेट कोर्ट की बात की जा रही है, वो ये लेकर ग्राउंड हैबिचुअल ऑफेंडर को जो है वो नहीं रिलीज़ किया जा सकता इस ग्राउंड को लेकर। या ऐसा पर्सन कह लें जो प्रीवियसली कन्विक्टेड हो, आदि मुजरिम हो, कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया हो उसने जिसकी सज़ा जो हो वो डेथ कह लें या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट हो, उस शख्स को इन ग्राउंड की बुनियाद पर जो है रिलीज़ नहीं किया जाएगा। जो भी पावर्स इस सेक्शन के साथ दी गई हैं भले ठीक है, वो जो प्रीवियसली हमने पढ़ा उन पे तो एप्लीकेबल होगा, लेकिन ये एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है इन पर्सन को जो है, फिर वो आदि मुजरिम को, हैबिचुअल ऑफेंडर जैसे कहते हैं ठीक है, यहाँ पे प्रीवियसली कन्विक्टेड हो उनको जो है रिलीज़ नहीं किया जाएगा। नाउ सबसेक्शन 2A, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 382A, व्हेन एन पर्सन अदर देन अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस इज सेंटेंस टू इम्प्रिजमेंट बाय अ कोर्ट एंड एन अपील लाइज फ्रॉम दैट सेंटेंस द कोर्ट में, इफ द कन्विक्टेड पर्सन सेटिस्फाइड द कोर्ट डैट ही इंटेंड टू प्रेजेंट एन अपील ऑर्डर डैट ही मे बी रिलीज ऑन बेल फॉर अ पीरियड सफिशेंट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट टू अनेबल हिम टू प्रेजेंट द अपील एंड ऑब्टेन द ऑर्डर्स ऑफ द अपेलेट कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 and the sentence of imprisonment shall so long as he is so released on bail be deemed to be suspended. अच्छा जी, इस सेक्शन में जो है वो सेक्शन 382 का जो है वो थोड़ा हवाला दिया गया है, जो मैजिस्ट्रेट को एम्पावर करता है कि मैजिस्ट्रेट जब किसी को क्या कहा कि एक साल तक सिर्फ कन्विक्ट करता है एक साल तक, तो उसे बेल पर रिलीज़ कर सकता है कि वो अपनी मर्जी से उस कन्विक्शन के खिलाफ अपील फाइल कर सके। कन्विक्टेड पर्सन कह लें अगर अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है मैजिस्ट्रेट से कि उसने जो है सज़ा के अगेंस्ट अपील फाइल करनी, तो अदालत उसे फॉर टाइम बीइंग उसे रिहा कर देगी और उसकी सज़ा पर एग्जीक्यूशन पर जो है अमल दरामद भी रोक दिया जाएगा उस टाइम तक जिसमें वो जो है अपील फाइल कर सके। नाउ सबसेक्शन 2B, वेयर अ हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड डैट अ कन्विक्टेड पर्सन हैज़ बिन ग्रांटेड स्पेशल लीव टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट एनी सेंटेंस विच इट हैज़ इम्पोज्ड और मेंटेन, इट मे इफ इट सो थिंक फिट ऑर्डर दैट पेंडिंग द अपील द सेंटेंस और सेकेंड और अपील अगेंस्ट बी सस्पेंडेड एंड ऑल्सो इफ ही सेड पर्सन इज कन्फाइंड डैट ही बी रिलीज ऑन बेल। एक सेकेंड, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है, मिस टाइपिंग हो गई, मुझे बेयर एक्ट देखने दें। अच्छा जनाब क्या कह रहे हैं, ऑर्डर एंड ऑल्सो इफ ही सेड पर्सन इज इन कन्फाइनमेंट डैट ही बी रिलीज ऑन बेल। अच्छा जनाब, इसमें ये बताया गया है कि ये जो अपील है ना ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जा सकती एक्सेप्ट दोज केसेस जिसमें जो है कोई भी जो है कह लें स्पेशल सर्कमस्टांसेस हों या कोई भी स्पेशल केस हो, इस सूरत में जो है सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल लीव टू अपील जो है फाइल करनी हमें पड़ जाती है। ठीक है, स्पेशल लीव टू फाइल में जो है उस केस का फैसला ना हुआ हो, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक फैसला ना दिया हो, तब तक उसकी सज़ा को जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा जब तक कि अपील का जो है वो डिसीजन ना आ जाए। नाउ सबसेक्शन 3, लास्ट सबसेक्शन इस सेक्शन का 426 का, व्हेन द अपेलेंट इज अल्टीमेटली सेंटेंस टू इम्प्रिजमेंट और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ द टाइम ड्यूरिंग विच ही इज रिलीज शैल बी एक्सक्लूडेड इन कंप्यूटिंग द टर्म फॉर विच ही इज सो। अच्छा, इसमें ये बताया गया है इस सबसेक्शन में कि जैसे सब ऑर्डिनेट कोर्ट कह लें इन्फीरियर कोर्ट ने फैसला दिया उस फैसले के खिलाफ अपील कर दी गई, अपील जो है डिसाइड होने में 2 से 3 साल की जो है ड्यूरेशन लग गई, हर साल लग गया, और डिसीजन में उसे दोबारा उसी एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट कर दिया गया, उसको गिल्टी देखा गया कि ये बाकी इसका जुर्म है, इसका बनता है, इसकी सज़ा बनती है। अब जब तक फैसला नहीं आया था उसकी कन्विक्शन को जो सस्पेंड कर दिया गया था ना, तो वो जो टाइम जो उसने बाहर रहा वो ठीक है बाहर रहा, जेल में नहीं रहा, तो उसको जो है उसकी सज़ा में से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और वो पूरी सज़ा काटेगा। यानी ऐसा पर्सन था कि फॉर इंस्टेंस ऐसे ले लेंगे, एक पर्सन था जिसको जो है कन्विक्ट कर दिया जाता है, ठीक है सबऑर्डिनेट कोर्ट उसको कन्विक्ट कर लेती है, लेकिन अपील का फैसला जो है पेंडिंग में होता है, ठीक है अभी उसको फिर जो है वो सस्पेंड कर दी जाती है उसकी कन्विक्शन। अब क्या है कि जब उसकी सज़ा को सस्पेंड कर दिया गया
सज़ा को जो है वो सस्पेंड कर देती है, और अपील के फैसले में वो फिर कन्विक्ट ही आ जाता है कि ये वाकई गिल्टी है, वो पर्सन वाकई गिल्टी है एक्यूज पर्सन। तो वो जो टाइम उसने बाहर गुजारा, यानी जो सज़ा उसने नहीं काटी, वो रिलीज़ हो गया था, उस टाइम को उसकी सज़ा में से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, वो पूरी सज़ा ही काटेगा। नाउ सेक्शन 427, अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड इन अपील फ्रॉम एक्यूटेड। व्हेन अपील इज प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 411A सबसेक्शन 2 और सेक्शन 417, द हाई कोर्ट में इशू अ वारंट डायरेक्टिंग दैट द एक्यूज बी अरेस्टेड एंड ब्रॉट बिफोर इट और एनी सबॉर्डिनेट कोर्ट, एंड द कोर्ट बिफोर विच ही इज ब्रॉट मे कमिट हिम टू प्रिजन पेंडिंग द डिस्पोजल ऑफ द अपील और एडमिट हिम टू बेल। अच्छा, इसमें ये कंडीशन बताई है कि अपील कर दी जाती है, ठीक है, और अपेलेट कोर्ट जो है उसको ये लगता है कि इसको जो है इस मुजरिम को रिलीज़ करना ठीक नहीं है, तो वो उसको यही कह सकती है कि इसको जेल में ही जो है रोका जाए, या फिर अगर उसको रिलीज़ कर देती है और बाद में अपेलेट कोर्ट को ये महसूस होता है कि नहीं इसका जुर्म बनता है, गिल्टी है, तो फिर उसकी जो है क्या कर देगी, उसको उसकी सज़ा को वहीं पर फिर उसको क्या करेगी, वो अरेस्ट करवा सकती है, रिलीज चढ़ा अरेस्ट करा सकती है। इसके मुताबिक दोबारा से एक बार देखते हैं, देखिए अपील कर देगी और फिर अपील के दौरान कोर्ट को ये लगता है कि इस मुजरिम को जो है रिलीज़ करना ठीक नहीं, अपीलेट कोर्ट को क्या लगता है कि रिलीज़ करना ठीक नहीं, मुनासिब नहीं है, तो अब अपीलेट कोर्ट उसे दोबारा जो है वो, अगर वो अरेस्ट है, ठीक है, पहले ही अरेस्टेड है और जेल में है, तो उसको वहीं पर रोकने का कहेगी कि नहीं इसको नहीं रिहा करना, रिलीज़ नहीं करना, और अगर उसको रिलीज़ कर देती है तो उसको अरेस्ट करने का हुक्म दे सकती है। बस ये इतनी सी बात। नाउ सेक्शन 428, अपेलेट कोर्ट मे टेक फर्दर एविडेंस और डायरेक्ट इट टू बी टेकन। सबसेक्शन 1, इन डीलिंग विद एन अपील अंडर दिस चैप्टर द अपेलेट कोर्ट इफ इट थिंक्स एडिशनल एविडेंस टू बी नेसेसरी शैल रिकॉर्ड इट्स रीजन एंड मे इधर take such evidence itself or direct it to be taken by magistrate or when appellate court is a high court by a court of session or a magistrate। अब इसमें यह बताया गया है कि इस सेक्शन में एडिशनल एविडेंस से रिलेटेड है, ये सेक्शन किससे रिलेटेड है, एडिशनल एविडेंस। अगर अपीलेट कोर्ट को लगे कि एडिशनल एविडेंस जो है वो ज़रूरी है, तो वो कोर्ट जो है वो रीज़न रिकॉर्ड करवाएगी, ठीक है, एविडेंस खुद ले लेगी, या फिर जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होगी उसको कहेगी कि वो जो है एविडेंस रिकॉर्ड करे। अच्छा, अगर सेशन कोर्ट, इसमें ये बताया गया, आगे ये बताया गया कि अगर जैसे सेशन कोर्ट में अपील की गई है तो उसकी सबऑर्डिनेट कोर्ट कौन सी हुई, मैजिस्ट्रेट है, और अगर हाई कोर्ट में की गई है तो उसकी जो है वो होगी मैजिस्ट्रेट कह लें या फिर सेशन कोर्ट कह लें, सबऑर्डिनेट है ना उसके, हाई कोर्ट के दोनों ही मातहत हैं। अब अपेलेट कोर्ट जो भी हुई ना, वो सबऑर्डिनेट को क्या कह सकती है कि भाई एडिशनल एविडेंस रिकॉर्ड करें। सबसेक्शन 2, Where the additional evidence is taken by the court of session or magistrate, it or he shall certify such evidence to be appellate court and such court shall thereupon proceed to dispose of the appeal। जैसे ही वो subordinate court evidence record करेगी, वो उस appellate court को भेज देगी जहाँ पर proceeding चल रही होंगी, जैसे appellate court में, फिर अदालत जो है proceeding को क्या कर देगी, वहाँ पर start कर देगी। Now subsection 3, unless the appellate court otherwise direct, the accused or his pleader shall be present when the additional evidence is taken। अगर अदालत कहे ना कि एक्यूज पर्सन और उसके प्लीडर की मौजूदगी में एविडेंस रिकॉर्ड होंगी, तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा कि उनकी मौजूदगी में ही एविडेंस रिकॉर्ड होंगे, ये डिस्क्रिशन है कोर्ट की यहाँ पर, और यहाँ पर वो ये भी कह सकती है कि इनका मौजूद होना ज़रूरी नहीं है, तो उस सूरत में जो है उस कंडीशन में ये नेसेसरी नहीं होगा फिर। सबसेक्शन 4, The taking of evidence under this section shall be subject to the provision of chapter 25 as if it were an inquiry। इंक्वायरी की सूरत में जो है एविडेंस रिकॉर्ड हो रही होती है ना, तो चैप्टर 25 के जो प्रोविजन है ना वो एप्लीकेबल होंगे। अगर इंक्वायरी की सूरत में एविडेंस रिकॉर्ड की जा रही होगी तो वो चैप्टर जो 25, इसी कोड का चैप्टर 25 जो है वो एप्लीकेबल होंगे, उसके प्रोविजो एप्लीकेबल होंगे। नाउ सेक्शन 429, तीन ही सेक्शन रिमेनिंग है बस, तो ये हमारा अपील वाला चैप्टर जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। प्रोसीजर वेयर जजेस ऑफ कोर्ट ऑफ अपील आर इक्वली डिवाइडेड, व्हेन द जज
composing the court of appeal are equally divided in opinion, the case with their opinion thereon shall be laid before another judge of the same court, and such judge, after such hearing, if any, as he think fit, shall deliver his opinion, and the judgment of order shall follow such such opinion. इस सेक्शन में ये मेजोरिटी ऑफ ओपिनियन की बात की गई है. कैसे देखें, अगर फॉर इंस्टेंस अगर अपील को डिसाइड करते हुए जो हैं दो जजेज हों और दोनों के जो ओपिनियन है वो डिफर कर जाएं एक दूसरे से, तो वो अपील फिर तीसरे जज के पास भेज दी जाएगी. फिर तीसरा जज अपना ओपिनियन जो है वो उसके मुताबिक ओपिनियन कायम करेगा. फिर उसको देखा जाएगा कि किस जज के साथ पिछले जो दो जजेस थे जिन्होंने पहले फैसला दिया उनके साथ किसके साथ इसका ओपिनियन जो है वो मिलता है, फिर वो फैसला हो जाएगा. मेजोरिटी ऑफ ओपिनियन के बेस पर जो है यहाँ पर फैसला कर दिया जाएगा. नाउ सेक्शन 430, फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर्स एंड अपील. ऑन अपील, जजमेंट एंड ऑर्डर पास बाय एन अपेलेट कोर्ट अपॉन अपील शैल बी फाइनल एक्सेप्ट इन द केसेस प्रोवाइडेड फॉर इन सेक्शन 417 एंड 417. सिंपल सी बात है, हल्की छोटा सी एक छोटा सा पॉइंट है इसमें कि जो भी जजमेंट कह लें या ऑर्डर जो है अपेलेट कोर्ट की तरफ से पास किया जाता है ना, फिर वो फाइनल हो जाएगा ऑब्वियसली. नाउ सेक्शन 431, लास्ट सेक्शन है अपील वाले चैप्टर का, ठीक है. 431, अबेटमेंट ऑफ अपील. एवरी अपील अंडर सेक्शन 411A सबसेक्शन 2 और सेक्शन 417 शैल फाइनल अबेट ऑन द डेथ ऑफ द अक्यूज्ड एंड एवरी अदर अपील अंडर दिस चैप्टर एक्सेप्ट एन अपील फ्रॉम अ सेंटेंस ऑफ फाइन शैल फाइनली अबेट ऑन द डेथ ऑफ द अपेलेंट. अच्छा, जो भी जजमेंट या ऑर्डर अपेलेट कोर्ट की तरफ से किया जाएगा वो हमने क्या पढ़ा कि वो फाइनल हो जाता है, ठीक है. ये हमने सेक्शन 430 में पढ़ा. अब 431 हमें ये कहता है कि अगर कंप्लेनेंट, ठीक है, केस में जो है मुद्दई की डेथ हो जाए तो क्या होगा, केस ख़त्म नहीं होगा, हरगिज नहीं ख़त्म होगा. लेकिन एक्यूज ही मर जाए, जिसके खिलाफ लड़ रहे थे वो बेचारा खुद ही मर जाए, तो फिर वो केस ख़त्म हो जाएगा. लेकिन अगर उस पर फाइन जिम्मे है उसके, तो वो फाइन रहेगा, वो उसके एसेट से पूरा कर दिया जाएगा, ठीक है. 411 के तहत अपील की गई हो अगर वो एक्यूज पर्सन ही मर जाए तो केस जो है वो क्या होगा, ख़त्म, वहीं पे ख़त्म हो जाएगा. लेकिन अगर कंप्लेनेंट मर जाए तो केस ख़त्म नहीं होगा. एक्यूज मर गया तो केस ख़त्म, लेकिन इसमें ये भी बताया गया कि फ़ाइन होगा तो फ़ाइन फिर उसके एसेट से पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन वो खुद अगर मर गया तो केस ख़त्म वहीं पर. चैप्टर जो है हमारे पास ये अपील का ख़त्म हो गया. अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम रिवीजन देखेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. बहुत बहुत शुक्रिया.